हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, अबूरी हुकूमत जून में बनेगी वज़ीर आज़म। पांच बड़ी मजहबी जमातों की कराची में बैठक, एमएमए की बहाली का ऐलान। और मुल्तान में बुकला गर्दी, न्यू जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ और हंगामा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं शफ़क हीरा और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह द सीनियर जर्नलिस्ट फरूख ताफी। अस्सलाम वालेकुम फरूख, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूं, अपना सुनाइए। मैं ठीक हूं नाज़रीन। टॉप स्टोरीज आपने प्रोग्राम के आगाज में देख ली है, आपकी जो भी राय हो इन टॉप स्टोरीज के हवाले से आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। टेलीफोन नंबर 051-921-2643, दूसरा नंबर है 051-921-2644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे तीनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज करते हैं कौमी असेंबली के स्पीकर एयाज सादिक साहब के बयान के हवाले से जो उन्होंने कल दिया था, और इस बयान के बाद काफी हलचल मच चुकी है। बयान में एयाज सादिक साहब का कहना था कि वो मायूसी जो है वो गुनाह है, लेकिन वो पहली बार सियासत से मायूस नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन 2002 में थी और ना ही वो सिचुएशन उन्होंने 2008 में देखी। वो कहते हैं कि माशाल्लाह का उनको कोई डर नहीं लगता है और ना ही ऐसा लगता है कि माशाल्लाह का कोई इम्कान है। कुछ लोग इस्तीफा देंगे, लेकिन शासन का ये भी कहना है कि कुछ समझ नहीं आ रहा इस वक्त सिचुएशन कैसी है, कंफ्यूजन की फैली भी नजर आ रही है, और इस कंफ्यूजन की वजह से वो मायूस हैं और उनको लगता है कि हुकूमत अपनी मुद्दत कंप्लीट नहीं कर पाएगी। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं दुआ करता हूं और मैं चाहता यही हूं कि हुकूमत जो है अपनी मुद्दत कंप्लीट कर पाए, मुकम्मल कर पाए, लेकिन उन्हें लग रहा है, बल्कि खदशा ऐसा है कि यह हो नहीं पाएगा। इसी वाले से वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि नहीं, मुद्दत जो है वो जो गवर्नमेंट है वो अपनी मुद्दत जो है वो कंप्लीट करेगी और जो बुरी हुकूमत है वो जून में ही आएगी। और शासन का ये भी कहना था कि जो एयाज सादिक साहब ने बयान दिया है वो उनकी सरासर जाती राय है और कोशिश की जाएगी कि उनके तहफ़ुज़ात को दूर किया जा सके। पर ये बातें तो हम इस्लामाबाद में वैसे भी सुन रहे हैं, अब कहीं जहां पे भी बैठते हैं लोग बात करते हैं, और ये आजकल जो डिबेट चल रही है वो ये चल रही है कि क्या हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएंगे, जिन हालात का उनको खुद भी नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएंगे कि हुकूमत जो है अपनी मुद्दत मुकम्मल ना कर पाएगी। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि हुकूमत को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही है कि वो अपनी मुद्दत कंप्लीट कर पाए। एयाज सादिक साहब ने भी इस हवाले से बात की है, मायूसी का इजहार भी करने का, मायूसी गुनाह है लेकिन लग ऐसा रहा है, आपको क्या लगता है? डॉक्टर साहब, खासतौर पर उन्हीं की बात पर सबसराई कर सकता हूं मैं अपनी प्रेडिक्शन थोड़ी करूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं बात को शुरू करूं, मैं एक चीज के लिए एडवांस में माजरत कर लूं, थोड़ा सा मेरी तबीयत नासाज है तो अगर आपको छींके मारता हुआ नजर आओ तो माइंड ना कीजिएगा। अच्छा, अब जो हमारे स्पीकर साहब ने फरमाया है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। उसकी वजह यह है कि ये जब से इस्लामाबाद का लास्ट धरना हुआ है उस वक्त से हमारे बहुत सारे दोस्तों में एक जो है वैसे ही डिप्रेशन की लहर है, और उनको ये लगता है कि रियासत आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के टैक्टिक से, देखिए आपके मुल्क के अंदर 15 साल से 16 साल से एक जंग चल रही है और दहशतगर्दी को हराते आ रहे हैं, लेकिन अगर उसी तरह के ग्रुप्स भी कल को खुदा ना खास्ता इसी तरह के काम स्टेज करना शुरू कर दें तो क्या होगा? ठीक है, दूसरी ये भी आपको पता ही होगा, 4 जनवरी को भी एक और धरने की कॉल है और उसके अंदर अच्छा खासा ये भी कहा गया है कि सर सारी चीजों को पैरालाइज किया जाएगा। उसके अलावा जो सियासी पॉलिटिकल पार्टी का अपना किरदार है वो भी बड़ा हैरान कन हो गया है। पीपल्स पार्टी का जो कि डीलिमिटेशन के बिल को सेनेट में पास ना होने देना, ये ऐसे लगता है कि एक साइड पे आप पुश भी करें कि जी इलेक्शन नए सेटअप के तहत होना चाहिए, नई जो है मर्दमशुमारी के जरिए होना चाहिए, दूसरी साइड पे आप रुकावट भी कर रहे हैं। ठीक, अब होगा क्या, जैसे इलेक्शन की डेट करीब आएगी, अगर हुकूमत नहीं कर पाती है या इलेक्शन कमीशन नई मर्दमशुमारी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाता है, डिलिमिटेशन नहीं होती है, तो इलेक्शन तो हो जाएंगे पुराने उस पर, लेकिन फौरन कोई ना कोई छोटे सूबे से या शायद पीपल्स पार्टी से उसको चैलेंज कर देगा।
इसका मतलब ये हो गया कि आपने अपने मुल्क के अंदर एक परमानेंट बहरान बना लिया, एक पार्लियामेंट बन गया, उससे हुकूमत बन जाएगी, लेकिन कोई भी किसी वक्त भी उसको गिरा सकता है। ठीक है, ठीक है, ये एक आस्पेक्ट हो। और अगर चैलेंज कर दिया जाता है, सपोज कर लेते हैं और कहा जाता है क्योंकि नई हल्का बंदियों के वाले से इलेक्शन नहीं हुए हैं तो ये इलेक्शन ठीक नहीं, तो क्या इलेक्शन कलदम भी करा दिया जा सकता है और दोबारा से इलेक्शन हो सकते हैं? दोबारा हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि सेनेट के इलेक्शन होने, सेनेट के इलेक्शन से पहले ये जो शेख रशीद साहब मेरे दोस्त, उनको वो शेख चिली वाली की बात करते हैं, लेकिन उनकी बातों में अब वाकई जरा डेंजर की बू आना शुरू हो गई है। वो कहते हैं जी अगले महीने तक जो है सब कुछ वो पैरालाइज कर देंगे। उसके अंदर इंटरनली जो बात की जा रही है, जो कि यार सादिक साहब ने खुद भी की, कि इस्तीफे देने का चांस है कि बहुत सारे लोग इस्तीफा दे दें, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, उन्होंने दो तीन चीजें और भी हिंट किए, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को पेश जो खतरात है उनके बारे में बताया, और यकीन माने इस वक्त दुनिया इतना बड़ा खड़ा बना हुआ है, एक है कि रूस और अमरीका का ये जो साइलेंट जो है वो तशद्दुद चल रहा है, साइलेंटली एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, फिर आपके मुस्लिम उम्मा के अंदर भी दरमियान में दो ममालिक की आपको पता है सऊदी अरब ईरान का वो है। अच्छा, जब भी वो कहते हैं सांड लगते हैं तो वो जो बूटे होते हैं वो टूट जाते हैं, तो हम दरमियान में बैठे हुए वी आर ऑन दी फॉल्ट लाइन ऑफ सो मेनी नेगेटिव वेव्स कि अगर खुदा ना खास्ता हमने अपने मुल्क के साथ सीरियस होके ना देखा और ना कोशिश की संभालने की, तो डॉक्टर साहिबा अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे, ऐसे शदीद किस्म के वो झटके हैं ना कि रियासत की चूल्हे तक हिलाने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, और इसके लिए जरूरी यही है कि रियासत और जो हुकूमत की अगर बात की जाए तो ये जो है अपनी टाइम मुद्दत जो है ये पूरी कर पाए। अच्छा, ये एक दो चीजों की तरफ आपने इशारा किया, एक डिलिमिटेशन की बात होगी, एक सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी बात हो गई है, बाकी चीजें इस्तीफों का, तो इस्तीफों से भी हमने देखा भी कि कुछ इस्तीफे आए भी और वो जिस वजह से आए वो भी हम सब जानते हैं, क्या यही वजह, यही वेव चलेगी जिसकी वजह से मजीद इस्तीफे आ सकते हैं, या आपको लगता है कोई और बड़ा ड्रामा क्रिएट हो सकता है जिसकी वजह से मजीद इस्तीफे आए? अच्छा, मसला ये है कि हम पहले ही वो कहते हैं डूबना जाओ डूबना जाओ, और तालाब के बॉटम में बैठे हुए फिर कहते हो डूबना जाओ डूबे हुए, इस वक्त जो ड्रामा चल रहा है वो कम है। ट्रू। अच्छा, एक साइड पे आपको पॉलिटिकल पार्टी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करने का आपको नजर आ रहा है, उसके बाद हुकूमत के हाथ मजीद बांध दिए जाते हो, एक साइड पे सारे के सारे इसलिए शोर मचा रहे हैं कि जी वो फटाखा जो है ना बिल पेश करें, दूसरी साइड पे मौलाना फजल रहमान साहब हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं। जब आपने अपने मुल्क के अंदर इतने ज्यादा इंटरेस्ट ग्रुप्स बना दिए कि हुकूमत तो हुकूमत डॉक्टर साहब, रियासत का काम जो है वो कम हो जाए, वो रुकना शुरू हो जाए, तो आपको परेशानी तो होती है। मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी उम्दा बात की। एक और मैं इशू बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर भी तो सियासत ने हर चीज को दीमक की तरह चाट लिया है ना। मिसाल के तौर पर अब तो बैटरी के इश्तेहारों में जो है ना सियासी पैगाम आना शुरू हो गए, अगर आप उस तरह की बातें देखेंगे तो यू विल रियलाइज व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। बिल्कुल ठीक है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि पता नहीं चल रहा कि व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन, क्योंकि ये बात स्पीकर कमीशन ने यहां तक आपने भी तो उन्होंने कहा कि मैं बता नहीं सकता हूं, मुझे कंफ्यूजन नजर आ रही है, पर कंफ्यूजन क्या है यह समझ नहीं आ रही, इस्लामाबाद से खतरे की बू भी आ रही है। एक चीज जो हमेशा बात होती है डेमोक्रेसी में और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की बात की जाए तो जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो मार्शल लॉ का होता है, तो उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ के वाले सवाल का, उन्होंने कहा मार्शल लॉ का कोई इम्कान नहीं है, मुझे मार्शल लॉ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, कोई खतरा है मैं उसको नाम नहीं दे सकता, इस्लामाबाद से बू आ रही है, हम अपोजिशन जमातों की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, दीगर अपोजिशन जमातें भी नजर आ रहा है कि वो बार बार कहती नहीं कबल वक्त इलेक्शन हो जाए, क्या इतनी जरूरत पड़ी हुई है, क्या सिर्फ और सिर्फ क्योंकि सेनेट के मार्च में इलेक्शन होने वही एक वजह है जिसकी वजह से लगता है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को मजीद सीट्स वहां मिल जाएंगी, सिर्फ उन सीट्स को रोकने के लिए कबल वक्त इलेक्शन की बात की जा रही है, मेन वजह सिर्फ यही नजर आ रही है। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की और उसके अंदर अगर आप देखें ना, आप कहती हैं मास्टर ला जो सबसे बड़ा खतरा होता था वो अब नहीं है। अच्छा, आप पाकिस्तान की तारीख 70 साल की निकाल के देखें, माशाल्लाह सबसे बड़ा मसला नहीं रहा हमारा, उससे भी बड़े मसाइल हुए, बेशक उसके वो प्रोडक्शन उसका माशाल्लाह की वजह से वो बने, माशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन देखिए वो कंपेयर किसको कह रहे हैं, 2017 को 2002 से करके कह रहे हैं कि उस वक्त बेशक मुशर्रफ था, वन मैन रूल था, लेकिन हमें ये पता था कि हम हसल करके जोर जबरदस्ती करके निजाम को चला लेंगे। ये जो निजाम की
देखें एक बात ये होती है कि पटड़ी उतर जाना, दूसरा टायर उतर जाना, और तीसरा ये होता है कि जिस छकड़े पे आप सवार है उसका बॉटम बैठ जाए, बंदे के बैठ गया ना, उसके बाद उसका सारा पर्पज ही खत्म हो गया। इस वक्त जो प्लेटफॉर्म है आपका वो जो है अच्छा खासा कंप्रोमाइज हो गया है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपने अभी बात की वो इसके मार्च के इलेक्शन की, उसका भी बड़ा सिंपल लॉजिक बता देता हूँ। इस वक्त नेशनल असेंबली में सिंपल मेजोरिटी हासिल है गवर्नमेंट को, लेकिन मेजोरिटी हासिल नहीं है इसके अंदर सेनेट के अंदर। अब ये कहा जाता है कि जब भी उन्होंने कोई बिल पेश करने की कोशिश की, खासतौर पे मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की किसी कोशिश में या किसी और चीज में, तो सेनेट वो रोक देगा। ठीक है, तो अब लोग ये समझते हैं कि अगर सेनेट में मेजोरिटी आ गई तो ये दो दिन के अंदर पास कर लेंगे। अच्छा, अब किसी को ये नजर नहीं आता कि भाई पाकिस्तान में ऐसे भी किसी इशू के लिए, अगर तुम समझते हो मियां नवाज शरीफ का इलेक्शन से पहले वापस आना इतना बड़ा मसला है, तो चेक्स एंड बैलेंसेस फिर भी मौजूद है आपके पास, सुप्रीम कोर्ट है, दीगर और यानी कि प्रॉब्लम जो अब समझ आ रही है वो अपोजिशन की पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ साहब से, कि नवाज शरीफ साहब किसी तरह वापस ना आ जाए। उनको जो सेनेट में मेजोरिटी नजर आ रही है पीएमएलएन की, उसकी सिर्फ वजह यह कि अगर ये एक चीज ना हो पाए तो दे आर ओके विद इट। हाँ, मेरा ये ख्याल है, मेरे ख्याल में प्रीएम्पशन बहुत ज्यादा हो रही है। अगर उनको किसी तरह से एश्योरेंस मिल जाए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आए ना, फॉर सम रीजन आपको याद होगा, जब वो जाने से पहले 97 में वजीर आजम बने थे, उस वक्त पूरा सिस्टम जो है वो उनको यूज टू लव हिम, ठीक है, उनको फॉरन ओन कर लेता था, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़ा ज्यादा पुश बैक होता था, लेकिन उनके खिलाफ नहीं होता था, मुतरमा के खिलाफ होता था। जब ये वापस आए हैं उसके बाद बहुत पुश बैक आया है, और आपको पता है पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं से उनको जो है ना मुश्किल में डालता रहा। लेकिन एक बंदा जो पीएमएलएन के अंदर अभी मौजूद है, उनको उतनी पूरा सिस्टम एक सेकंड में ऑन करने को तैयार है, पीएमएलएन तो करेगी ना क्योंकि उनके लीडर है, लेकिन पूरे मुल्क का सिस्टम वो है मियां शहबाज शरीफ। अब अगर किसी तरह की एश्योरेंस भी मिल गई ना कि अगले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है और ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई लड़ाई की सूरत में नहीं जाते, तो शायद बहुत सारे क्राइसिस जो बनाने की कोशिश की जा रही है वो कम हो जाए। बिल्कुल ठीक है, कॉलर को शामिल कर लेते हैं, मजीद बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जनाब अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज बंद करेंगे तो आपको आवाज क्लियर आएगी। हफीज बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जनाब बोलिए, पीपल्स पार्टी वाले तो यही चाह रहे हैं कि आप जो काम किए मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, मोटरवे बनाए, राहदारी मनसूबा, इनको पता है कि आप दोबारा आना नहीं है हम लोगों ने, इसीलिए ये बहाना है, सारे तलाश हो रहे हैं इस चीज के लिए। अच्छा, मजीद बात करेंगे सवाल से। अस्सलाम वालेकुम, नाम बता दीजिए अपना। लोग आ जाते हैं, क्या हुआ मसाला वाले जो है जब भी आए हैं, जब भी उसने किया है उसने उनको आबाद किया है, नुकसान अभी बड़ी मेहरबानी, जरा एक ब्रेक लगा के, जरा ब्रेक लगा के जरा अपना तारुफ करा दीजिए, माशाल्लाह बड़े स्पीडो स्पीड जा रहे हैं आप। वो बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे, आवाज उनको क्लियर नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, जो हमारे पहले कॉलर है उनका जवाब जो है ना जी, आई विश कि ये सिर्फ और सिर्फ मसला इतना सिंपल होता, आई विश के पीपल्स पार्टी ही का मामला होता कि सिर्फ वही काम खराब कर रहे हैं, लेकिन जो धरना वो पीपल्स पार्टी ने तो नहीं कराया, जो 4 तारीख को होने जा रहा है वो पीपल्स पार्टी ने तो नहीं कराया। मसला ये है कि हम लोग सारे सोते रहते हैं, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप बन गए जो शायद अपने मुल्क को सर्व नहीं कर पा रहे। ईरान नाराज होता है तो कोई ना कोई जो है इंटरेस्ट ग्रुप उनको भी आंसर करता है, सऊदी अरब नाराज होता है तो कोई ना कोई उनको भी कैटर करता है, अमेरिका, इंडिया, हर तरह से हम वो है जकड़े हुए। और ऐसे वक्त में ये हो रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे ईरान के अंदर किसी को लगता है, ये मैं बार बार बांगे दोहल करता हूँ सवाल कि ये क्यों है जब भी ईरान किसी मुश्किल में होता है पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई धरना के बैठ जाता है, खास तौर पे ये जो पिछले 3-4 धरने हुए मेजर वाले, उसके अंदर सीपैक डिले हो गया, उधर से ईरान पर से पाबंदियां उठनी थी वोट गई। अच्छा, इसी तरह से दीगर चीजें हैं,
सऊदी अरब के साथ भी हमारी मोहब्बत बहुत है और उनकी मेहरबानियां भी है, लेकिन हमारी मजहबी क्लास जो है वहां के अवाम में से कुछ लोग इन्वेस्टर्स या जो मदद करने वाले हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट रही है। हम लोगों ने अपने मुल्क को इतनी साइडों से अपनी सारी दीवारें गिरा के रख दी हुई है, मैं फिजिकल दीवारों की बात नहीं कर रहा हूं, इंटेलेक्चुअल दीवारों की, कि आपको कोई भी बंदा जज्बाती तौर पे इस्तेमाल कर जाता है और आप ये नहीं देखते कि जी रियासत अपनी है, हुकूमत जो है आज है कल नहीं होगी, कल आपकी हुकूमत आ सकती है। खुदा के लिए इतना तशद्दुद तो मत करो कि चीजें मुश्किल हो जाए। जितने धन्या है उनमें से कितनों ने हुकूमत को तंग किया? किसी ने नहीं किया। सारे धरनों ने किसको तंग किया? आपको, मुझे। जब पहला धरना आया था ना इमरान खान साहब वाला, यहां पे पीटीवी में हम जब आते थे तो फिजिकल अपने हम को अपने जहन में रख के आते थे, उसके बाद यहां हमला भी हो गया। ये जो कहते हैं ना कि एक दिन हमला हुआ है, 18 दिन 4 महीने हम पे हमला रहा है, डेली जो है ना 12 साल के बच्चे जो है ना वो आगे तलाशियां लेते थे और पता नहीं क्या कुछ सुना के जाते थे, पीछे डंडे वाले ठहरे होते थे। अगर आपने मुल्क को इस तरह से रखना है तो रख लो भाई, अगर नहीं रखना है तो ट्राई टू इम्प्रूव इट। हाँ जी ठीक है। अच्छा कॉलेज का मुझे कहा जा रहा है, मेरा सवाल रह गया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। मेरे भाई कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? डॉक्टर मैं मोहम्मद रफीक खुजदार की बात कर रहा हूँ। आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और साथ साथ फरमाते भी रहिए, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हमारा सवाल यही है कि खुदारा पूछना चार सूबों का बात हो रहा है, हमारा बलूचिस्तान का भी बात हो जाए। हम लोग, उनके पास बिजली बिल्कुल नहीं है, हम टेलर मास्टर दर्जी है, हम लोग कितनी भी कुछ करो और इलेक्शन आ रहे हैं पूरे। बिल्कुल ठीक है, एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं और फिर गिलगित बल्तिस्तान के वाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज ही मुझे पलट के आ रही है, मेरे ख्याल कॉलर जो है वो फोन साइड पे रख के चले गए हैं तो वापसी के इंतजार तो नहीं कर सकते। अगर दोबारा कॉल मिलाइए तो आपकी कॉल मिल जाएगी, लेकिन आपसे हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि आप लोग जब भी कॉल मिलाया करें अपनी टीवी की आवाज जो है उसको बंद कर दिया करें, इससे आपके लिए भी आसानी रहेगी, आपको भी हमारी आवाज क्लियर आएगी और हमें भी आपका सवाल जो है वो आसानी से समझ आ सकेगा। जी हाँ, खुशदार की जो आपने बात की, पाकिस्तान के वो इलाके खुशदार में तो देखें जी, इंशाल्लाह ताला तरक्की बड़ी तेजी से आने वाली है, सी पैक जो है उसकी वजह से भी, दीगर मामलात पे भी, लेकिन कुछ चीजें अभी प्रोग्रेस कर रही है, डेवलप हो रही है और पाकिस्तान का जो फेडरेशन है वो भी अभी इवॉल्व हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान को कितना इंटीग्रेट करना है अभी तक इस चीज के ऊपर तो फिर भी हमारी डिबेट ही नहीं हो रही है, फाटा पे तो चलो फिर भी कुछ ना कुछ हो रही है। इन तमाम चीजों के ऊपर मेहनत जरूर हो रही है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, बाकी चीजें हो रही है, तो आपके मसाइल इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, उन मसाइल का हल निकल आएगा। अच्छा ये जो स्पीकर साहब ने कुछ इस्तीफों का जिक्र किया है कि कुछ इस्तीफे आने वाले हैं, तो ये शेख रशीद साहब काफी बार इन इस्तीफों का जिक्र कर चुके हैं, काफी बार कहा है कि इस्तीफे जो हैं वो जमा करवा दिए गए हैं, कुछ लोग हमारे पास आए हैं वो कहते हैं मुस्ताफी होने वाले हैं, फिर कभी फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो जाती है, कभी किस तरह से बात हो जाती है, और साथ साथ जिस तरह से इमरान खान साहब बार बार बात कर रहे हैं प्री इलेक्शन की, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर वो केपी के असेंबली को वक्त से पहले तहलील कर दें और इस तरह से पीपल्स पार्टी से असेंबली को तहलील कर दे, तो क्या कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि हुकूमत के ऊपर इतना बर्डन आ जाए कि उसको प्री इलेक्शन करवाने पड़ जाए? अच्छा प्री मेच्योर इलेक्शन जो है, अब पता नहीं कितना प्री मेच्योर रह गया, अभी तो मेरे ख्याल में 5-6 महीने तो 6-7 महीने तो टोटल रह गए, लेकिन उसके साथ साथ एक और मामला है कि सिर्फ असेंबलियां तोड़ने की बात नहीं है, ठीक है, डेजिग्नेशन भी नेशनल असेंबली से देना पड़ेगा, सेनेट से, और उसके बाद भी जुआ है। अगर आपको याद हो तो पीएमएलएन ने रिजाइन किया था, लेकिन उसके परवेज मुशर्रफ के जमाने में, लेकिन और पीपल्स पार्टी ने वोटिंग नहीं की थी, फिर भी इफ्तिखार चौधरी साहब के कोर्ट ने परमिशन भी दे दी थी और परवेज मुशर्रफ को पार्लियामेंट ने, उसी पार्लियामेंट ने वर्दी में दूसरी दफा सदर मुंतखब किया था। तो इस तरह की चीजें जो है ना, ये जुआ होती है। मुझे ये नहीं समझ आती है, अगर आपको किसी चीज का फियर है ना, मिसाल के तौर पे मुझे कोई फियर है या किसी को है, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो हुकूमत में नहीं है और जो एम्बुश कर रहे हैं। अच्छा अगर आप किसी वजह से आपको कोई फियर है तो गो एंड टॉक टू दी अदर पर्सन इंस्टेड ऑफ
अज्यूमिंग टू मेनी थिंग्स और उसके बाद आप इतने ज्यादा वो जगह जगह पे दाम बिछाते हैं, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होता है कि 90% तो आप खुद फंस जाते हैं। इमरान खान साहब जो है, अगर आप सोचें जो धरना वो करके गए थे और उसके बाद जिस दिन धांधली के बारे में सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद क्या इज्जत रह गई थी भाई इस सारे धरने चरने की? ये तो बलाव हमारे मीडिया का, जो खुद पार्टीजन है और जो चाहता है कि हर सूरत में किसी तरह से इमरान खान साहब पाकिस्तान की सरबराह बन जाए, इलेक्शन भी ना हो, तकरीबन मीडिया तो यही चाहता है ना। तो भला उसका कि उसने प्रोपेगेंडा कर करके रिवाइव कर दिया, वरना कोई फेस सेविंग नहीं थी उसको। बिल्कुल ठीक है, कॉलर्स को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जनाब मैं शवेद बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। जी बात कीजिए। क्या है जनाब, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है जी, फरमाइए। सर ये बहुत बार मैंने रिक्वेस्ट किया पिकनिक स्पॉट के बारे में। जरूर जी, हम कोशिश करते हैं हम ही वहां से प्रोग्राम शुरू कर दें, ताकि आप फिर आपका आंसर जो है ना वो आराम से हम दे सकें, क्योंकि हम उसी चैनल पे बैठे होंगे। मुझे देखिए कॉल कॉल पर शामिल कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी शरीफ साहब बोलिए। मेरा सवाल एक तो ये आपको मैंने बताना है कि आपकी पीटीवी जो है नजरिया पे ना ये दिखाई नहीं जाती है, मैंने कम्प्लेट कर पीटीवी न्यूज की थी। हाँ जी। अच्छा, कोई ऑपरेटर इनको केबल ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं आप? ये पर्मानेंट नोटिस उसको लेना चाहिए, क्योंकि ये मस्ट है कि सरकारी चैनल जो है रियासती चैनल वो सारे दिखाए जाए। जनाब और इसके अलावा कुछ कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में जा चुके हैं। चले ठीक है। एस आर साहब के हवाले से सवाल एक आखिरी पूछूंगी और उसके बाद वजी अजम साहब के स्टेटमेंट के हवाले से भी बात करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक की जाने बढ़ेंगे। एस आर साहब ने कहा कि 2002 में भी हालात मुझे ऐसे नहीं नजर आए थे, 2008 में भी ऐसे हालात नजर नहीं आए थे जो अब हालात नजर आ रहे हैं। खतरे की भूख के हवाले से बात भी की, उन्होंने कहा कि मैंने मेरे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ था, जो आज मैंने बात की है मेरा बोझ जो है वो उतर चुका है और अब हम सबने मिलकर निजाम को बचाना है। निजाम को खतरा किससे है? अपोजिशन से, इन्हीं पोलिटिकल पार्टीज से, इन्हीं सियासतदानों से? माशाल्लाह की बात तो वो कह चुके हैं ही नहीं। अच्छा, मिसाल के तौर पे सियासतदानों को छोड़े, वो जो धरना था वो किसने किया था? लोगों ने। अच्छा, किन लोगों ने? अपोजिशन ने, पीटीआई। अच्छा, आप कौन से धरने की बात कर रहे हैं? कितने धरने हो चुके हैं जी, जिसमें पिटाइयां होती रही? हाँ जी हाँ। किस, और जिसमें मजहबी जमात ने, जिसमें गालियां चलती रही, और उस मजहबी जमात का क्या बैकग्राउंड है? उसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फांसी के रिजल्ट में बनी हुई जमात है। और यकीन माने उसने आके आपके कैपिटल को पैरालाइज किया, उसके बाद आपकी रियासत में कंप्रोमाइज किया ना। कंप्रोमाइज करना चाहिए था, मुझे बताइए। ठीक है, उन्होंने तो जो किया, क्या रियासत ने उस चीज को नहीं टैकल किया? क्या रियासत ने उनके आगे घुटने नहीं टेक दिए, उनका मुकाबला था क्या वो पूरा नहीं कर दिया? रियासत के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती? क्या रियासत ने उनको ठीक तरीके से किया? क्या मतलब आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आपने कहा ना उन्होंने, मैं भी आपसे कंप्लेन नहीं कर रहा हूं। मैं अपना तबसरा नहीं कर रहा हूं, मैं अयाज सादिक साहब को इंटरप्रेट करके आपको बता रहा हूं मेरे ख्याल में वो क्या कह रहे हैं। देखिए, स्पीकर नेशनल असेंबली का काम ना तो सड़कें साफ कराना होता है, ना उसके ऊपर धरने रोकना होता है, ना ही कुछ और होता है। स्पीकर का काम तो असेंबली को अपना काम चलाना है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब, आपका अगला टॉपिक जो है एमएमए की रिवाइवल के बारे में, सिंध के अंदर तीन पीरों की जो है ना वो एसोसिएशन बनाई जा रही है ताकि पीपल्स पार्टी और दीगर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हराया जा सके। इसी तरह से वो एक कल अदम जमात के रिसाइकलिंग का प्रोसेस तकरीबन पूरा हो गया है। ये जो अभी बनने वाले थे इनका एक अलग कहानी बन गई है। आपको नहीं लगता कि क्या होने जा रहा है? इफ यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग राइट नाउ, तो फिर मेरे ख्याल में हम लोग तो फिर वाकई सो रहे हैं, और शायद सोते रहना चाहिए। अच्छा है कि कल जो है पाकिस्तान के अंदर भी कोई तालिबान टाइप की कोई मजहबी जो है जनूनियों की अगर हुकूमत आ जाए तो सेलिब्रेट करे, खुश हो। उसकी वजह यह है कि आपने अपनी रियासत के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके स्ट्रक्चर को खुद लाया, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जितने लोग आके बैठते हैं धरने में, सारे के उनका कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा ना, उनके घर भी होगा, उनके बहन भाई अब्बा अम्मा कोई होंगे ना, सही। तो उनको नहीं चाहिए कि इन लोगों को जरा समझाएं कि इस तरह के जाके जज्बाती काम ना करें? पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है जिसका इमेज ये है कि जो है ना उसके बारे में इंडिया हर वक्त प्रोपेगेंडा करता रहता है, और आपके चारों तरफ
कोई ना कोई ऐसा बैठा हुआ है जो कमंद लगा के अंदर घुसना। अगर नहीं समझ आती उनको तो फिर क्या करना चाहिए? आखिर लग ऐसा ही रहा है कि यासर साहब मायूस हुए हैं तो किसी बात से मायूस हुए ना, इसका मतलब है कोशिश पूरी कर ली। इंसान कब मायूस होता है? जब आप पूरी अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं, पूरी जान लड़ा देते हैं और जब आपको लगता है कि उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा तो फिर आप मायूसी वाले फेज में चले जाते हैं। तो आपको नहीं लगता इनको समझाया गया सब कुछ है या फिर ये समझ ही नहीं सकते ये लोग, ये समझने वाले फेज से ही बाहर है? नहीं, सिर्फ इन लोगों की बात नहीं है ना, बात यह है कि एक मौलवी साहब जो है अगर वो किसी वजह से आ जाते हैं तो वो तो जज्बात ही है, ठीक है, ठीक है, या सियासत कर रहे होंगे उनके फॉलोअर्स 2,000, 2,500, 3,000 जो भी है वो भी जज्बाती लोग होंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी कौन सी मजहबी जमात है भाई, ठीक है, पीटीआई कौन सी मजहब। अच्छा, एक और जब मैंने आपको एमएमए का बता रहा था तो उसका एक और सुनिए, पीटीआई भी तो एक मजहबी अलायंस में जा रही है समीर हक साहब के साथ। आप अब मुझे ये बताएं कि आप करने क्या वाले हैं इतने अरसे से आपके मजहब के साथ? याद रखें, नुकसान आप मजहब को दे रहे थे, ठीक है, जब आप मजहब के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो, और अब इतना 15 साल 16 साल खमियाजा भुगतने के बाद में महसूल कौम हम फिर एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ जाने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कॉलर का मुझे कहा जा रहा है शामिल कर, उनको भी शामिल कर लेते हैं, और साथ में वजीर आजम साहब के हवाले से वो ये कहते हैं कि एयाज सादिक साहब की जो राय है वो बिल्कुल जाती राय है और जो असेंबली है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी और जून में जो है बुरी हुकूमत आएगी। इस हवाले से फरूख का कॉमेंट भी लेंगे, लेकिन पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर, कैसी हैं? या साहब जी, हुक्म कीजिए। मैं हुक्म क्या अर्ज कर सकता हूँ, एक तो फरूख भाई का तबसरा बड़ा सीरियस होता है। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि हमारे एक एंकर है बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो जो कहते हैं कि सरकारी भोंपू है, तो ये अगर ये तबसरा डॉक्टर साहब सुन ले तो ये, और जिस तरह कॉलर खुल के बात करते हैं तो मेरे ख्याल में ये बात अभी जाहिर हो जाती है कि इतना फ्री प्लेटफॉर्म में बात करने का। मैं क्योंकि अयाज सादिक की जो बयान के बारे में, मैं तो रियली आई एम सीरियस, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो जो धरने और ये सब कर रहे हैं, ये तो डॉक्टर साहब ये तो मेरे हिसाब से सारा ये इफ्तिताह की कर ले, ये किसी एहतसाब के लिए नहीं हो रहा। और ये मजहबी और गैर मजहबी, मैं तो इन मैं तो मजहबी जमात ही मानता, उसकी वजह कि देखिए अगर हमारे तो शायद एंकरों को ये भी नहीं था कि आईने पाकिस्तान का पहला जुमला क्या है, जिस शख्स ने आईन बनाया, जिस शख्स ने मेहनत की, जिसने लोगों को बला के किया, वो तो कोई बहुत बड़ा मजहबी आदमी नहीं था। लेकिन ये तो आपकी डेडिकेशन की बात है। मेरा जो फरूख भाई सवाल ये, आपने इतनी जबरदस्त बात की कि ये जो हम अपने अंदर खेल खेल रहे हैं इंटरनेशनली, जो हमारे जो हम कॉन्स्पिरेसी चूरी जो लेके चलते हैं, जो बात करते हैं, तो हमें ये अंदाजा नहीं हो रहा कि ये कितना बड़ा डेंट हम अपनी इकोनॉमी भी डाल रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी भी डाल रहे हैं। मैंने तो डॉक्टर साहब प्लीज फरूख भाई, मैंने आपसे रिक्वेस्ट पहले भी की, मैं फिर कहूंगा कि हमारे लोगों को जरा हिस्ट्री बता दें, जो रेवोल्यूशन देखे हैं उनकी क्या हिस्ट्री थी, और जो डिक्टेटर थोड़ा सा टाइम निकाल के ताकि लोग पता चल सके जो इंकलाब लाने वाले होंगे उनके इंग्रीडियंट्स क्या हैं, हमसे हमें ये तो बताओ। अच्छा बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, इंकलाब के बारे में जरूर बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपने कोई ऐड करना है तो वजीर आजम शाह का नाम बातें स्टेटमेंट ही ऐड किए कि क्या जो उनको जो स्पीकर कौमी असेंबली को खदशात नजर आए हैं वो वजीर आजम साहब को नजर नहीं आते? वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जाती राय है, तहफुजात दूर भी कर देंगे। यहाँ पे पहले कम लोग हैं जिनके तहफुजात दूर करने हैं, जिनमें एक एडिशन भी हो चुकी है और अपनी ही पार्टी के रहनुमा भी हैं, स्पीकर कौमी असेंबली भी हैं, उनके तहफुजात है, उनका काम दूर करेंगे, लेकिन इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, जून में ही अबूरी हुकूमत आएगी। इसके साथ ही एक जो बात है रेवोल्यूशन का मैंने अभी जवाब महफूज रखा हुआ, मैं दूंगा, लेकिन पहले आपका सवाल का जवाब देखिए, आप और मैं जहां बैठे हुए हमारा वेंटेज पॉइंट क्या है, हम कितना देख सकते हैं, हमारे सामने सुर्खियां है, चार लोगों की बातें, कोई सोर्सेज होंगे आपकी भी मेरी भी, ठीक है। स्पीकर साहब के पास एक वेंटेज पॉइंट है बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन अ पल्पिट, ठीक है, और उस पल्पिट पे जो है जब वो बैठते हैं वहां पे मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ जिनके पास बहुत इल्म होता है वो जाके शेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा वो तो आपको बुनियाद जो है ना तमाम जमहूरियत की पार्लियामेंट, उसके अंदर आने वाले क्राइसिस का भी बता रहे हैं। आज के दिन आप देख लेना कितने वो था, कोरम कितना था, क्यों नहीं है लोग वहां पे। अच्छा ऑपोजिशन को तो छोड़े जो बार बार ब्लैकमेल करती है, हुकूमत को के लोगों को तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका वेंटेज पॉइंट है वो डिफरेंट है। जो प्राइम मिनिस्टर का वेंटेज पॉइंट है ना, ही इज द मैन हु इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द एग्जेक्टिव, ठीक है। अच्छा एग्जेक्टिव में अब उनको तमाम इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट्स आ रही होंगी, उनको आपको आपके दिफा के इदारों की भी इनपुट आ रही होगी कि कहीं पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही। बस मुझे दो कंसर्न्स हैं, वो ये है कि बाज़ुकात आप समझते हैं कि आपके सामने जो वजन है ना, और मैं रियासत और हुकूमत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तान के एग्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, आपको लगता है कि वजन आप उठा लेंगे,
लेकिन आप उठाने लगते हैं तो कमर जो है ना क्रैक कर जाती है और उसके बाद क्रैक होने की वजह से आप पकड़ के पीठ को बैठ जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि जिस प्रेशर के अंदर एडिशन हम करते जा रहे हैं डेली, ये ना हो कि हमें लग रहा हो या रियासत को लग रहा हो, जैसे आपको लगा था 1990s में कि ये जो जिहाद इंडस्ट्री बन गई और जो मुजाहिदीन की इंडस्ट्री बन गई, ये आप रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर पाए। और उसकी वजह से अपने 70,000 लोगों को $125 बिलियन का नुकसान भी कर दिया। ठीक है, अच्छा अब रेवोल्यूशन की बात। जनाब रेवोल्यूशन जो है ना, इनकलाब, उसके बारे में कहते तो बड़ा जबरदस्त है कि जी इनकलाब आ गया, उससे ये हो गया वो हो गया। मैंने कोई भी कामयाब जो है ना रेवोल्यूशन, उसको बहुत अरसे तक चलता हुआ देखा नहीं है, उसका इम्पैक्ट नहीं देखा है। कुछ ममालिक हैं जहां पे इनकलाब आया, उससे हुकूमतें चेंज हुई, तर्ज हुकूमत चेंज हुई, लेकिन कुछ अरसे बाद सोसाइटी के वो जो मामला थे जिनके खिलाफ रेवोल्यूशन आया था, वो दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया। अभी एक मुल्क का नाम मैं 4 दफा आपके सामने ले चुका हूं, हमारा पड़ोसी मुल्क है, इनकलाब आया था, अभी जरा जाके देखें वहां पे वही पुराने वाले हालात है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से बहुत सारी और जगह पे भी है। तो अगर कोई समझता है कि इनकलाब से कुछ बेहतर होता है, इनकलाब तो जनाब वो देग की तरह है जिसके ऊपर से ढक्कन हटा दोगे तो वो धुआं निकल जाएगा, वरना वो छत फट जाती है। अगर आप वो ढक्कन हटाएंगे तो इसका मतलब है रिफॉर्म आना शुरू हो गए, आपके मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कोई वेंटिलेशन आ गई। अगर नहीं होगा, प्रेशर कुकर की तरफ फटता है, उसमें सारे जख्मी होते हैं। अगर कोई आपको बता रहा है कि मुल्क के अंदर इनकलाब आने से बबड़ा अच्छा हो जाता है, तो जरा अभी पिछले 10 सालों में, बल्कि पिछले 7 सालों में जो अरब स्प्रिंग आया है, उसको देखें कैसी कैसी रियासतों को तबाह करके रख दिया है। सीरिया तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, गॉड नोज और कितने इलाके जो है बिल्कुल बुलडोज हो गए। तो इनकलाब से इनकलाब की कहानियां जो है ना, याद रखे पाकिस्तानी जैसे मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर इनकलाब बादशाह को हटाने के लिए नहीं आता, एक बादशाह को हटा के दूसरे को बिठाने के लिए आता है। इसका मतलब ये है कि बादशाह ही रहेगा, ठीक है, तो तुम्हारा मेरा कानून नहीं बदलना। अगर इन चीजों को समझे तो फिर इत्तका जमहूरियत में ही हमारी बका और किसी चीज में नहीं। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जाए, नाज़रीन ब्रेक पे जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे MMA के क्याम के हवाले से, हमारे साथ रहिएगा। एक वक्त आता है जब इंसान और आम आदमी कह उठता है कि बस, पर ये आम आदमी ये हीरा है, ये तोड़ देगा चाहे जो भी हो चट्टान, इसकी जानदार हिम्मत को मिलेगा शानदार अंजाम। हिंदू फर्टिलाइजर्स, हीरे जैसे किसान की शान। आपकी जरा सी एहतियात बहुत सारी कीमती जानें बचा सकती है। गैस लीकेज की सूरत में एहतियाती तदाबीर अपनाएं। माचिस हरगिज ना जलाएं। बिजली का कोई भी स्विच ऑन या ऑफ ना करें। खिड़कियां और दरवाजे खोलकर फौरन खुली हवा में आ जाएं। गैस का मेन वाल्व बंद कर दें। गैस लीकेज की सूरत में 1199 पर कॉल करें। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, खिदमत हर पर। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में 5 बड़ी मजहबी जमातों ने मुतहदा मजलिस अमल या फिर MMA की बहाली का बाकायदा ऐलान कर दिया है। जो ऐलान किया गया है ये मौलाना शाह अहमद नूरानी मरहूम की रहायशगाह पे किया गया है। इन जमातों के वाले से बात करें तो जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब मौजूद थे, साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब जो कि JUIPA के अमीर हैं वो मौजूद थे, इसके साथ अलामा साजिद मीर मौजूद थे और दीगर भी रहनुमा मौजूद थे जिनका ताल्लुक जो है वो सियासी मजहबी जमातों
पे है। इजलास में ये फैसला किया गया है कि तमाम जमातें जो है अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर जो 2018 का इलेक्शन है वो एक ही प्लेटफॉर्म से लड़ेंगी, और साथ साथ इनको जो किताब का निशान है वो भी अलॉट कर दिया गया है। और इन्होंने ये भी साथ में फैसला किया है कि जो इस वक्त हुकूमत के साथ जमाते हैं वो उससे अलहदगी का फैसला जो है वो एक माह के अंदर करेंगी। पर वो क्या लगता है, एमएमए का क्याम की पहले तो जरूरत क्यों महसूस हुई इन तमाम सियासी और इन तमाम मजहबी जमातों को, उसके साथ साथ क्या ये तमाम मजहबी जमातें एक दूसरे से इख्तलाफात भुलाकर एक ही प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ सकेंगी? मेरे ख्याल में पहली बात तो आपने पूछी कि उसकी वजह क्यों महसूस हुई, उसकी वजह ये है कि पहले एक एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, उसके अंदर ताकत आ चुकी है, और इन्होंने एक सूबे की हुकूमत जहां पर पीटीआई की एक और एमएमए की हुकूमत है, क्योंकि जमात इस्लामी और पीटीआई का अलायंस है वहां पे, तो वहां पे एक और दोबारा से एमएमए की हुकूमत भी आ सकती है, दीगर जगहों पे वो कर सकते हैं। तो दे वांट टू रिवाइव दिस आइडिया, और ये माजी में भी बड़ी कोशिशें हुई, पिछले दो इलेक्शन के अंदर बार बार एमएमए की बातें करते रहे लोग, लेकिन उस वक्त कोई रिवाइवल नहीं हो सका। अभी देखिए इस वक्त इन दोनों पार्टीज के अंदर, एक तो समय लग साहब का आपको पता ही है, वो तो इमरान खान साहब के हो गए। अच्छा, दूसरा ये है कि दो इंजन है आमतौर पे, ये होता है एमएमए के अंदर, पिछले वाले एमएमए के अंदर जमात इस्लामी का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी वर्कफोर्स इस्तेमाल हुई थी, और क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब आपकी रियासत के बहुत चेते रहे हैं और अब हमेशा रहेंगे, मैं मुझे यकीन है आप पर, मैं जो है ना आजमाते भी हुआ है तो हम नहीं हो सकते, लेकिन वो रहेंगे चहीते। हाँ, उनके उनको गुर आते हैं ना, उनको वो जानते हैं कि चहीता कैसे बना जाता है और फिर चहीता कैसे रहा नहीं जाता है। वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं एक अंधा होता है। अच्छा, तो वो जो है ना नहीं, रियासत को अंधा तुम जब किसी से इश्क होता है, देखो ना मुशर्रफ के लिए कितना ज्यादा कुर्बानियां दे चुके हम। अच्छा, इसी तरह से हमारे जिहादी ये जो तबका है उस 70-70 कत्ल कर गए, वो गुनाह उनके माफ हो जाते हैं। आप और मैं एक बत्ती तो जो है ना वो तो हमसे टूट गई, या जो है ना वो कर दिया हमने गाड़ी जो है ओवर स्पीडिंग कर दी, तो हमारे गुनाह माफ नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। तो जब जिसको किसी से इश्क हो जाए तो हो जाए, मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनको रियासत को इश्क है, आपकी खासतौर पर वो जो डीप स्टेट का जाता है ना उसका है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये दो है इंजन, बाकी सारे वो हैं कि घर के ऊपर जो है ना फूल पत्ते लगा लो, जो है ना अच्छा खूबसूरत सा गार्डन बना लो, अच्छा गाड़ी कोई सोनी सी खड़ी कर दो, लेकिन ये दोनों इंजन हैं। अब इशू ये है कि ये दोनों इकट्ठे नहीं चलेंगे। आप जितना कोशिश कर लें, किताब का जो मामला है, जो सिंबल है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक बात है, और वो सिंबल जो है ये जाके कहते थे ये किताब को कुरान समझो, और हम जो है ना कुरान की निगबानी के लिए आ रहे हैं। यार मैं हैरान होता हूँ, 97% आबादी पाकिस्तान की मुसलमान, ठीक है, अभी हमने मुसलमान करना है पूरी आबादी को, अब पता नहीं क्यों करना है भाई पाकिस्तानी क्यों रहता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इन तमाम सियासी जमातों से बहुत बेहतर जो दो जमातें काम कर रही हैं, तबलीगी जमात और दावत इस्लामी जो बहुत इफेक्टिव काम कर रही है, लोगों के दिल में खौफ खुदा भी पैदा कराते हैं, उनको इबादत के लिए भी ले आते हैं, उनको कुछ सिस्टम से इंट्रोड्यूस भी इस्लाम के कराते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखिए पहले जब सियासी मजहबी सियासी जमातें बनी थी ना 1947 से पहले, उसका उनका मकसद ये था कि मजहब को वाकई जो बैरूनी साजिशें हैं, खासतौर पे हम जो है साम्राज्य उसमें थे, जब इस्लाम को बाकी खतरा महसूस हो रहा था, मुसलमानों का था, इस्लाम को हो नहीं सकता। उसकी तीन वजह है मेरे ख्याल में, एक तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से ये आपको बता दिया कि कुरान मजीद जो है उसकी सिक्योरिटी, उसकी जो है प्रोटेक्शन अल्लाह ताला ने करनी है, तो दैट इज अ गिवन। ठीक है, 1400 साल में तो आज तक ये नहीं हो सका कि जेर जबर पेश है आगे पीछे हो सके हो। ठीक है, इसका मतलब ये बुनियाद तो वहां पे मौजूद है। दूसरा, ईमान जो है, ईमान खुदा देता है। अगर आप समझते हैं कि हम खुद पैदा कर लेते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं। अगर आपको आप समझते हैं कि कोई चीज सुन के आपके ईमान को खतरा हो रहा है तो गलत समझ रहे हैं, नाकस व्यू है। सही है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात आ गई प्रैक्टिकल फैक्ट की, 97% मुसलमान, या बाकी
जो है ना प्रोटेक्शन की बात करनी है तो वो बेचारे जो 3% वाले रुल गए उनकी बात कर ले। ठीक है, 97% मजहबी जमात है, आप अब ये बात ठीक है, मजहबी जमात नहीं है, मजहबी जमात अपने आपको कहती है, कहती है अपने आपको मजहबी जमात है, हम 97% लोगों की बात करते हैं, 97% जो मुसलमान है यहाँ पे जो मौजूद है पाकिस्तान में, क्या वजह है इन मजहबी जमातों का वोट बैंक नहीं है? जलसे करवा लें, बहुत बड़े जलसे आपको नजर आएंगे, बहुत बड़े मजमा जो है वो नजर आएगा, वोट की जब भी बात आती है तो वोट हमें नजर नहीं आते। आप बात करें जमात इस्लामी की, बहुत बड़ी बातें करते हैं, नजर भी आते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन की बात होती है तो वो कहीं बहुत दूर हमें नजर आते हैं। इस तरह से जेएचयूआईएफए का भी कुछ अपने इलाकों में जो उनके इलाके बनते हैं वहीं पर उनको ओल्ड नजर आते हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो कहीं नजर नहीं आते। बाकी जो जमाते हैं वो आपने जिसने कहा वो तो फूल पत्तियां हैं, उनकी क्या बात की जाए। अब ये जो तमाम लोग मिल रहे हैं, तमाम जमाते मजहबी जमाते मिल रही हैं, अब आपको लगता है कि क्या इससे वोट बैंक में इजाफा हो पाएगा, क्या इनका वोटर जो है या और खिंचेगा, 97% मुसलमान जो हैं वो इनको जाके वोट देंगे, और साथ साथ क्योंकि केपीके से ये आपको 2002 की तरह इलेक्शन जीतते हुए नजर आ रहे हैं? अच्छा नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल नहीं, उसके दो तीन वजह हैं। एक तो ये है कि उनको जो एक्सपीरियंस था ना एमएमए का कर लिया, एमएमए के बारे में अच्छा नहीं आवाम ने कर लिया ना भाई, वो तो बनाएंगे ना, अपनी बका चाहिए, हर सियासी जमात अपने आप को वो कहती है कि हम सर्वाइव करना चाहते हैं। जमात इस्लामी का एक बड़ा मसला होगा, जमात इस्लामी का वोटर रहा है और वोटर जो है उनको शायद इलेक्शन न जितवा सके, लेकिन इतना था कि वो आपको नजर आता था, फील होता था। ठीक है, यानी 120 में क्या हो गया उनके साथ, भाई माइक्रोस्कोप के जरिए भी नजर नहीं आ रहे थे, उनको ये लगता है कि वो बिखर से गए। ठीक है, ठीक है। और फिर ये हुआ कि जो काजी हुसैन अहमद साहब के बाद जो दो साहिबान लीडर के तौर पे पार्टी में आए, उन दोनों का एक साहब बहुत कंटेंशियस थे, वो चले गए, रिएक्शनरी थे बहुत ज्यादा, दूसरे साहब को एक एको समझा जाता है काजी हुसैन अहमद साहब की, और उनका वो एक्यूमन नहीं है, तो इस वजह से जब भी वो कोई अलायंस करते हैं तो अपनी कोई चीज दे आते हैं लेकर आने के बजाय। काजी हुसैन अहमद साहब कहीं जाते थे, किसी से अलायंस करते थे तो जो है ना गमले वगैरह जो है ना वो मंसूरा पे ही आके लगते थे। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो शायद जमात इस्लामी को तो इसकी तलब है, एमएमए के अंदर तो एक ही वो सॉरी फजल रहमान साहब की पार्टी को तो एक ही शौक है, और वही ये खास तौर पर फजल रहमान साहब को कि अगर अलायंस बड़ा होगा शायद सीटें आ जाए, शायद वजीर आजम बन जाए। ठीक है, तो मुझे यही बता दें ये दो मेन पार्टीज हैं, ये कैसे ये सोच सोच रही है? जमात इस्लामी की भी आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी NX20 की, साथ साथ अगर बात करें पिशावर की वो NH4 की, तो उधर भी उनको सिर्फ 7,000 वोट मिले हैं, उससे ज्यादा ये वोट ले ही नहीं पाए हैं, और इस तरह की सिचुएशन में तो वाकई लगता है इनको कि इनको जरूरत पड़ गई है एमएमए की, लेकिन क्या एमएमए इनको वो कोई भी साथ वापस दिला पाएगी? क्या एमएमए मौलाना फजल रहमान को उनके इलाकों के अलावा कहीं से जितवा पाएगी? प्राइम मिनिस्टर बनना तो बहुत दूर की बात है। नहीं, मेरे ख्याल में उनके इलाके भी जो है ना स्प्रेड कर रहे हैं, खासतौर पर बलोचिस्तान के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो JUIF की बहुत ज्यादा हुई है, और ये आपको मानना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उससे वो वजीर आजम नहीं बन सकते, उससे वो हुकूमत विदाउट अलायंस नहीं बना सकते, और हुकूमत में भी अलायंस में भी वो जो सीनियर पार्टनर नहीं बन सकते। ठीक है, अब बात आ गई, आपने कहा कि दोबारा कर रहे हैं तो अवाम क्या तैयार हो जाएगी उनको इलेक्ट कराने की? मैंने आपको कहा कि अवाम पहले समझती थी कि क्याम पाकिस्तान से पहले और कुछ उसके बाद भी जो मजहबी जमातें थी ना उसमें जो रिलीजन है उसका R कैपिटल होता था, उस पर एम्फेसिस होता था, पॉलिटिक्स का P छोटा होता था, उस पर एम्फेसिस नहीं था। अब ये समझा जाता है कि R छोटा हो गया और P बड़ा हो गया, और एम्फेसिस जो है सियासत पे है, मजहब को इस्तेमाल करके सियासत करनी आप करो। ठीक है, एक मसला है, और वो ये है कि उन्होंने पहले अपना गवर्नेंस करके भी दिखा दी है, शायद करप्शन नहीं की होगी, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ नहीं किया, नहीं कुछ किया भी नहीं ना। सही, सही। एक मिनिस्टर साहब है सिराज साहब का ही सीनियर मिनिस्टर थे ना, बैग में से उतर के जा रहे हैं, मस्जिद में जाके वो कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरे जैसा कोई बंदा गया, मेरे बेटे का जो है ना नौकरी करा दे, उन्होंने कहा मेरे बेटे की भी नौकरी नहीं हुई, गली में गई ना, भाई मैं हुकूमत के पास क्यों जाऊं कि बच्चों की नौकरियां नहीं हो रही हैं, यार कुछ करा दो, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करो, दे डोंट हैव एनी प्लान। सही, सही। तो क्या ये जिस तरह एमएमए बन रही है, क्या आपको लगता है कि तहरीके लद्दाख जिनके भी हम बात भी कर रहे थे और साथ साथ मिली मुस्लिम लीग, क्या ये भी शामिल हो सकती है? क्योंकि जो भी मिली मुस्लिम लीग को आपने NA120 में तो वोट लेते हुए देखे थे हमने। अच्छा, बात यह है कि दोनों के मकान से तीनों के, ठीक है,
तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि सारे के सारे मिलेंगे? नहीं, मैं भी सवाल है क्योंकि अब मुझे तो कुछ दिन पहले तक ये भी लग रहा था कि जमात इस्लामी और जेजूएफ ये भी मिल सकती है, अगर ये मिल रहे हैं अलामा साजिद मीर साहब मिल रहे हैं तो क्या ये हो सकता है? क्योंकि अभी तो पूरा पूरा फोकस यही है किसी तरह से वोट बैंक को जो है वो बढ़ाया जा सके, नजरियात का तो भी उस तरह से फोकस नजर आ नहीं रहा है, तो इसमें तो दो शामिल कर सकते हैं इनका वोट बैंक है। डॉक्टर साहिबा जो है ना वो बड़ी स्ट्रेंज चीज है, बड़ी हैरान को मुख्तलिफ चीज है, उसके अंदर एलीट, ओल्ड एलीट और नया एलीट की भी लड़ाई होती है। ठीक है, ठीक है, आपने दो पार्टियों की बात की, उन दोनों पार्टियों के जो सरबराहान है वो उनका सियासत से पहले कोई ताल्लुक नहीं रहा। ठीक है, एक जो है वो जिस तरह का भी वो वॉरफेयर का जो काम था और बाकी करते रहे, दूसरे का तो मैंने आपको बताया कि वो फांसी की, एक फांसी ना होती तो वो शायद जो है ना पार्टी ना बनती। ठीक है, अब जो पुराना एमएमए है वो इन नए एलिमेंट्स को इतने आराम से तो एडजस्ट नहीं करेगा। ठीक, इसका मतलब ये है अगर इलेक्शन के अंदर सारों की सीटें आ गईं तो फिर कोई मिलाप मलूप करके शायद कोई गवर्नमेंट फॉर्म कर दी जाए, लेकिन उसके ऊपर भी मसला होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हो या कोई हाफिज साहब हो, ये सारे के सारे मामला कर लेते हैं। लेकिन फरुख ये तो बात होगी ना कि बाकी जमातों से, मैंने सवाल किया आपस में एडजस्टमेंट कैसे हो पाएगी, फाटा के हवाले से सिर्फ बात कर लेते हैं तो जमात इस्लामी फाटा के हवाले से भी मार्च किया भी और दोबारा भी कह रही है कि हम फाटा इस्लाहात के लिए मार्च करेंगे, वहां पे आप मौलाना फजल रहमान साहब को देखते हैं तो वो बिल्कुल पूरी संसारी सियासी जमातें एक तरफ है और वो खुद एक तरफ खड़े और वो कहते नहीं जी ये नहीं होने दूंगा मैं। माजी में मौलाना फजल रहमान साहब जिस तरह से बार बार जमात इस्लामी पे केपीके में करप्शन के इल्जाम लगा चुके हैं, वो मेरे ख्याल सबको ही वो बात याद होगी, ये आपस में इख्तलाफात कैसे कम खत्म की देंगे, स्पेशली फाटा की अगर बात करें तो सियासत है सब कुछ खत्म नहीं तो क्या किस पर आएंगे? जमात इस्लामी मौलाना फजल रहमान साहब का मिल जाएगी, मौलाना साहब जमात इस्लामी के पेश पहले भी यही हुआ था कि मौलाना फजल रहमान साहब की बात जो है वो एंड में डिसाइड करती है। ठीक है, वजह ये है कि सीटें जो है वो जमात इस्लामी को और मिनिस्टर्स एडवाइजर्स नहीं मिले थे ज्यादा कि इनको मिले थे, फजल रहमान साहब को मिले थे, तो बाय डिफॉल्ट यही है कि उसका अगर कोई अलायंस होता है तो उसका सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। ठीक है, जो फैसले करते हैं लेकिन नहीं फिर मिनी कूज होते हैं, इसी वजह से तो आप फिर ड्रैग डाउन कर लेते हैं। मौलाना का एम्बिशन बहुत ज्यादा है और इस पे जो है बहुत सारी मजहबी जमातों को ये भी एतराज होता है कि जो खुद मांग के वजीर आजम का उद्दा ले या हुकूमत का ले, कुरान की आयत भी है ना कि मांग के लेने वाले के साथ वो नहीं, तो अब ऐसी चीजों के ऊपर इन पे एतराज भी होता है कि ये बहुत एम्बिशियस है, ठीक है, तो फिर इसलिए शायद मिनी कूज उनके अपने ग्रुप में होते रहते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन से एक महीना आगे जाके जरा देखेंगे ना, तो अभी सबको लग रहा है कि ये शायद हतम नबूवत के ऊपर जो है सारे पॉलिटिक्स कर जाएंगे, इतने ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं हो पा सकती है, उसकी वजह यह है कि एक ही ग्रुप को नुकसान या एक ही ग्रुप को फायदा होगा, ये तो नहीं हो सकता ना कि 20 के अंदर दरमियान मुंतशिर हो जाए। आज कल इमरान खान साहब ने भी वही बातें करना शुरू कर दी, इधर से दीगर हजरात ने भी वही बातें करना शुरू कर दी, तो रह क्या गया। ठीक है, अब तीसरे टॉपिक के जाने बढ़ते हैं और वुकला गर्दी के हवाले से ये तीसरा टॉपिक है नाज़रीन, और एक बार फिर हमने देखा है कि वुकला किस तरह जो है मुश्तैल हुए हैं और किस तरह से उन्होंने तोड़फोड़ की है, वजह बनी थी न्यू जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के हवाले से, और कल के दिन की अगर बात की जाए तो मुल्तान में वाकया भी पेश आया है और वुकला की जानिब से कहा गया था कि जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जो कि न्यू बना है वहां पर सहूलियात जो है वो नाकाफी हैं, और इसी पर एहतजाज करते हुए सिर्फ जबानी कलामी एहतजाज नहीं हुआ नाज़रीन, तोड़फोड़ हुई है, फर्नीचर को तोड़ा गया है, जो अदालती वहां पर हुकाम थे उनको भी हरासा किया गया, और जिस तरह से पूरा मेस क्रिएट किया गया है उसकी मिसाल जो है वो वुकला गर्दी से हमें पहले भी कई बार देखने को मिली है। वजह क्या बन गई है? बर्दाश्त खत्म हो गई है वुकला में, केसेस लड़ लड़के इतने थक चुके होते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं कि मामूली से मामूली बात पे इतना झगड़ा। अच्छा, मामूली बात भी क्या है? हाँ, कि हमें फैसिलिटीज नहीं दी तो जो मौजूद है उनको भी तोड़ देंगे। ठीक है, बात यह है कि आपके जो पहला टॉपिक था उसके बाद आपने दो और टॉपिक वो किए और वो बिल्कुल ऐसे था जैसे मैं बुलडोजर के नीचे से गुजरा, ठीक है ना, ऊपर से बुलडोजर गुजार दिया। अब आप कहती है होप कहाँ है, होप क्यों है, होप तो है। ठीक है, होप का मसला यही है कि हमारे यहाँ देखिए अमेरिका के अंदर अभी पूरा अमेरिका ने मिलके एक बंदा है मोर नाम है उसका, उसको हराया है ना एक रियासत में अलबामा में, और वो उसको क्यों हराया है? क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम थे, बैड बिहेवियर को रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए, ये था, डिसेंसी होनी चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ बशमूल अमरीका इंडिया का आप देखे ना, गुजरात के अंदर दोबारा नरेंद्र मोदी फिर जीतने वाले, तो इस तरह से बैड बिहेवियर को रिवॉर्ड करने की दुनिया में बाहर आई हुई है। लेकिन मसला ये है कि वो लोग जो कुछ कर रहे हैं
उनके मुल्क डिफरेंट साख्त के, वहां पे शायद डंडा और जबरदस्ती से मुल्क के अंदर तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर जब भी हमने ये किया सत्यानाश किया। ठीक है, आपने अपना ईस्टर्न विंग जो है वो खो दिए, कितना रियलाइज करने की जरूरत है इसमें। आपके दो इलाकों में अभी भी टेररिज्म बड़े खुल के हो रहा है और वहां पे इंसर्जेंसी के नाम से जो है ना स्ट्रगल वो चल रही है, जो भी एक्टिविटीज चल रही है। आप अगर बैड बिहेवियर को डेली कंप्लीमेंट करेंगे शेख रशीद साहब से लेके वकीलों तक, तो फिर यही होगा ना कि देखिए मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या डायलेमा है। मुझे ये लग रहा है, और ये पहले वाले का भी जवाब है, दूसरे का भी जवाब है, तीसरे का भी। एक कहते हैं कि बच्चे के ऊपर पुराने जमाने में एक काजी के पास मामला आया कि बच्चा एक है और दो माए दो औरतें कह रही हैं कि मेरा बच्चा ये मेरा बच्चा। काजी ने उनको रिकंसाइल कराने की बड़ी कोशिश की, दोनों माने ना, दोनों कहे कि मेरा बच्चा है। एने में काजी को ख्याल आया कि जरा डराता हूं इनको, उसने कहा कि चलो जी तुम दोनों कह रहे हो दोनों का बराबर बराबर इसकी ओनरशिप है, तो बच्चे को आधा कर लेते, आधा तुम ले जाओ आधा तुम ले जाओ। ठीक है, उसमें एक और चीख के कहा ये ना करना, दूसरे को देते। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त तो जो आम शहरी है ना वो ये कह रहा है कि यार ये मुल्क के ऊपर जो बार बार छुरियां चलाए जा रहे हो, चाहे वो इनके उसमें सारे लड़ रहे हो, उसकी वजह से आम आवाम का नुकसान होता है। खुदा के लिए ये ना करो, ले दो जो ले जाना। बिल्कुल ठीक है, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, मुझे मजीद ही बात करनी थी, इंशाल्लाह फिर आइंदा आने वाले दिनों में बात करेंगे सवालों से। नाजी उम्मीद आपका प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम ऑन सेम चैनल, तब तक रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।